हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। ये वेबसाइट बनाने के सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है ना। इसमें हम देखेंगे जो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें कंटेंट कैसे डालते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जनरली कंटेंट हम डालना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा जो लोकल सर्वर है उसको, है ना, वहाँ से हमारा जो वेबसाइट है उसको एक्सेस करते हैं, है ना। चलिए ये लोड हो रहा है, ये लोड हो गया है ना। यहाँ पे मेन्यू नाम से फोल्डर बना है, ये देखिए, ये इतना हो चुका था, है ना, इतना हो चुका था। बाकी अब हम करना चाहिए इसमें कंटेंट डालेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे रेपर जो आईडी है, ड्यू है, उसके नीचे में मैं एक और, है ना, एक और कहना चाहिए ड्यू बनाता हूँ और उसका नाम, है ना, रखता हूँ बैनर, है ना। मैं इसमें क्या करूँगा, जो मेन्यू बार है ना, उसके ऊपर में मैं एक बैनर लगाना चाहता हूँ, बैनर और लोगो, ठीक है। चलिए बैनर मैं दे दिया। अब इस बैनर में मुझे दो सेक्शन करना पड़ेगा, एक तो लोगो के लिए और दूसरा बैनर के लिए, ठीक है। तो दो सेक्शन इसके अंदर मैं बनाऊंगा, बैनर के अंदर में दो पार्ट रहेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में रहेगा आपका लोगो, है ना, तो ड्यू लोगो, ठीक है। ये लोगो यहाँ से, है ना, यहाँ से क्लोज। उसके बाद राइट साइड में रहेगा बैनर, ठीक है। उससे क्या है, जो हमारा वेबसाइट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा, ठीक है। चलिए इसका नाम मैं रख देता हूँ बैनर टू, ठीक है। यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा, ठीक। अब मैं बैनर जो आईडी है ना, उसको मैं टारगेट करूँगा और उसके माध्यम से हाइट विथ बैकग्राउंड कलर सेटअप करूँगा। कॉपी कर लेता हूँ और सीएसएस फाइल के अंदर जाऊँगा, और जाने के बाद, है ना, यहाँ से हम फिर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, है ना, उसको डेकोरेट करना, उसको मैनेज करना स्टार्ट करेंगे। चलिए हैज़ आईडी को हमेशा हैज़ सिंबल से लिखा जाता है बैनर, और यहाँ पे बॉर्डर सेट करेंगे, बॉर्डर, है ना, बॉर्डर बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल, है ना, कलर। तो एक काम करूँगा, है ना, चलो बॉर्डर बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल, ठीक है। कलर यहाँ से मैं ले लेता हूँ अभी कुछ भी, है ना, कलर हो गया। हाइट मैं दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो 200 पिक्सल, है ना, 200 पिक्सल का हाइट है, ठीक है। उसके बाद चले बैकग्राउंड मैं देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे, वैसे तो बैकग्राउंड कलर है लेकिन अभी समझने के लिए मुझे हमको देना पड़ेगा, है ना, ताकि अलग से दिखे कि ये इतना बैनर है, इतना कंटेनर है। ऐसा जाके रिफ्रेश करेंगे, अच्छा लोड नहीं हो रहा है ना। अच्छा ये हो गया, कलर आपका देख रहे हैं ना, 200 पिक्सल का एक बैनर बन चुका है। अब इसको दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है, लेफ्ट पार्ट में रहेगा आपका लोगो और राइट पार्ट में रहेगा आपका बैनर, ठीक है। चलिए फिर से सीएसएस कोडिंग में आते हैं, और यहाँ पे अब जो लोगो है, लोगो और बैनर टू, है ना, उसको एक्सेस करेंगे और उसको उसमें कहना चाहिए हम प्रॉपर्टी देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लोगो और बैनर टू के लिए मुझे, है ना, लोगो और बैनर टू नाम से उसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा मैं, ठीक है। चलिए सीएसएस पार्ट में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मुझे टाइप करना ना पड़े, है ना, यहाँ से, क्योंकि सेम रहेगा दोनों में। कॉपी कर लेता हूँ,
यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, बाकी हाइट तो सेम रहेगा, है ना, हाइट सेम रहेगा। हाइट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है। चलो अब उसके लिए बैनर टू के लिए, है ना, सेम कोडिंग नीचे में मैं लिख देता हूँ, है ना, इंटर करके यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ आईडी नेम को, है ना, बैनर टू, बैनर टू, है ना। यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करेंगे यहाँ पे, है ना, सीएसएस कोडिंग में आके यहाँ से उसको पेस्ट कर देंगे, है ना। चलिए ये हो गया। और अभी विथ, विथ हमको देना पड़ेगा ना, हाँ, कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। चलो ये हो गया, जाके एक बार देख लेते हैं ब्राउजर में रिफ्रेश करके। अच्छा ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम देंगे फ्लोट। फ्लोट एक तो लोगों में रहेगा लेफ्ट, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में, है ना, प्रिंट होगा, डिस्प्ले होगा। और बैनर टू में देंगे राइट, फ्लोट राइट, है ना, क्योंकि वो राइट साइड में डिस्प्ले होगा, ठीक है। जाकर देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देते हैं विथ, है ना। तो विथ में मैं देता हूँ एक को 90% है ना, बैनर का जो विथ रहेगा 90%, और जो लोगो है उसका मैं रखता हूँ 10%, 10 या फिर 9 point, है ना, 9.9%, है ना। चल ये हो गया। अब रिफ्रेश करेंगे, ये देखो, अब इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट करना चाहिए, वो रेंज है उससे बाहर चला जाता है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना है। तो सेम कोडिंग जैसे उसमें किए थे कंटेनर वाले में, है ना, वैसी कोडिंग इसमें भी करना है। तो ये कोडिंग मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, है ना। और पेस्ट करके थोड़ा सा चेंज करना है, नाम चेंज करना है, बस कंटेनर है तो यहाँ पे बैनर मुझे लिखना पड़ेगा, है ना। कॉपी कर लूँगा यहाँ से, है ना, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करके, यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी करके पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट हो गया अब, है ना, बाकी तो सेम है, है ना। जाके अब मैं चेक करता हूँ। अच्छा, तो मुझे लगता है कि सेम प्रॉब्लम है, है ना, केस को वहाँ से मुझे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये तो कोडिंग ठीक लिखा है ना, तो ब्राउज़र का जो केस है, है ना, जो कुकीज़ है उसको मुझे वहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुकीज़ फुल हो जाने पे या फिर ज़्यादा केस हो जाने पे, है ना, वो लोड नहीं कर पाता ब्राउज़र, है ना, तो उसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज करते हैं, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 9.5, ताकि जगह ज़्यादा स्पेस मिले। जाके देखते हैं, हो जाए शायद। अच्छा चलो ये हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। ये देखो आपका, है ना, लोगों के लिए दिख रहा है। और अभी हम उसमें लोगों और बैनर जो इमेज है उसको हम सेटअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेटअप करते हैं, उसके लिए वापस कोडिंग पार्ट में चलते हैं, ठीक है। चलो ये आ गया यहाँ तक, उसके बाद, है ना, सोर्स कोड में चलते हैं, और यहाँ पे, है ना, लोगो में, है ना, लोगो का, लोगो देने के लिए, लोगो इमेज यहाँ पे सेटअप करने के लिए मैं ING टैग, है ना, यूज़ करूँगा, ठीक है, ING टैग यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा।
चलिए IMG, और उसके बाद SRC है ना, सोर्स। सोर्स में हम देंगे उस फाइल का लोकेशन जहाँ पे हमारा इमेज फाइल है, ठीक है। देखो मेन्यू के अंदर में IMG नाम का एक मैं फोल्डर बनाया हूँ और उसमें रखा हूँ इमेज को। इसको मुझे क्या करना है, वहाँ पे सेटअप करना है, ठीक है। चलिए ये ले लिए, हाइट और विथ भी देना पड़ेगा। हाइट मैं दे देता हूँ 150 पिक्सल्स है ना, 150 पिक्सल्स, और विथ भी मैं दूंगा, उसका जो चौड़ाई है उसको भी दूंगा मैं 150 पिक्सल, ठीक है, 150 पिक्सल, ओके, ये हो गया। चलिए जाकर देखते हैं, देखो आ गया राइट साइड में, आपको दिख रहा है ना। चलो इसमें भी देखो, इसमें भी आ गया, लेकिन बैकग्राउंड अभी उसका बैकग्राउंड होने की वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलो मैं उसको सेटअप करने की कोशिश करूँगा, है ना, ओके। ये हो गया, मतलब बैनर कैसे लगाते हैं आपको पता चल गया, है ना, सॉरी लोगो कैसे लगाते हैं पता चल गया। आप बैनर लगाएंगे, है ना, अभी वो कहना चाहिए, है ना। चलो वापस जा के देखते हैं, ठीक है। चलो कोडिंग पार्ट में आते हैं, और यहाँ पे अब हमको बैनर देना है, तो सेम कोडिंग हमको करना है, है ना। IMG टैग हम यूज़ करेंगे, है ना, HTML का टैग है, IMG टैग है ना, इमेज टैग, सोर्स के लिए SRC है ना, और SRC कहना चाहिए जनरली पाथ रहता है उस फाइल का पूरा लोकेशन, तो ये वाला इसको मैं लूँगा, या फिर काम करता हूँ मैं यहाँ से ले लेता हूँ कंप्यूटर से ये वाला, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना कॉपी करके मैं वहाँ ले जाता हूँ, है ना, कॉपी, और जो मेरा वेबसाइट का फोल्डर है ना, वहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, पेस्ट, ठीक है, पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इस फाइल को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट हो गया, ओके करूँगा, ठीक है। हाइट, हाइट तो रहेगा आपका 200 पिक्सल, 150 पिक्सल, चलो 150 पिक्सल, ठीक है। बाद में उसके हाइट को कम कर सकते हैं बैनर का, जाकर देखते हैं, लेकिन पूरा यहाँ पे विथ नहीं आ रहा है, ठीक है, पूरा विथ नहीं आ रहा है, तो विथ भी देना पड़ेगा, चौड़ाई, तो यहाँ पे मैं विथ, है ना, देखो ये सजेस्ट कर रहा है ना, ये सजेस्ट कर रहा है, इसको डाल के देखते हैं, है ना, चलो कितना आता है। ये देखो बैनर आपका, ये देखो हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है ना वेबसाइट से, चलो इसको भी मैनेज करेंगे, ठीक है। ये जो बीच बीच में बॉर्डर दिख रहा है ना, उसको मुझे हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करके देखते हैं, ऑटो ऑटो मेरे ख्याल से नहीं लेगा ये, है ना, साइज ही लेगा। चलो एक बार मैं देखता हूँ अगर होता है कि नहीं, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, ठीक, चौड़ाई वो ऑटोमेटिक सेटअप नहीं कर रहा है, ठीक है, मुझे नंबर्स ही देना पड़ेगा इसमें, चलो ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए, चलो इसको थोड़ा सा कम करता हूँ मैं, 1200 देता हूँ, थोड़ा सा कम होगा, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया, नहीं तो फिर हम वहीं से ID के माध्यम से सेटअप कर सकते हैं ना। चलो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, और ID के माध्यम से, है ना, सेटअप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बैनर 2 में जाएंगे, और बैकग्राउंड में देंगे हम यहाँ पे, है ना, उस इमेज का पूरा नाम और लोकेशन, ओके, है ना। चलो जाके सेव कर लिए, Ctrl+S, ब्राउज़र में जाके देखते हैं,
अब ये सेटअप हो गया, वो ऑटोमेटिक सेटअप किया है, ठीक है, अच्छी बात है। उसी प्रकार उसको भी कर सकते हैं, है ना, लोगों को। लोगों को भी हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, है ना, उसी तरीके से, है ना। चलिए, चलो देख देखता हूँ मैं एक बार। चलो जाके देखेंगे ब्राउजर में, सेव कर लिए। ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना था, ठीक है, उसको भी देख लेंगे बाद में, ठीक है। पहले तो हम सीख जाते हैं कि कैसे बैनर, लोगो और बैनर लगाते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, जितने भी कहना चाहिए बॉर्डर है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है ना, चलो मैं सी प्रोग्रामिंग, ये जो लिंक बना है ना, मतलब पेज बना है, उसमें थोड़ा सा कंटेंट डालता हूँ, है ना। जो होम पेज है हमारे वेबसाइट का, उसमें भी थोड़ा सा कंटेंट डालते हैं। कंटेंट मैं ऑलरेडी अलग से, है ना, रेडी करके रखा हूँ, उसको जस्ट पेस्ट करना है मुझे, ठीक है। चलो सी वाला पेज हम ओपन कर लिए हैं फोल्डर से, सोर्स में आते हैं, सी के सोर्स कोड में आते हैं, और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, या फिर कॉपी, है ना, कॉपी कर लेंगे और एक नया फाइल बनाएंगे, है ना, पीएसपी फाइल। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में, है ना, बॉडी टैग के अंदर में इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको मेन्यू डॉट पी एच पी नाम से सेव कर लेंगे, है ना, सेव, ठीक। उसके बाद यहाँ से ये जो लिंक लिंक वाला कोड है उसको कॉपी करेंगे और मेन्यू में जाके पेस्ट करेंगे, मेन्यू में जाके पेस्ट करेंगे, है ना। ये देखिए मेन्यू जो पेज है, जो फाइल है उसकी, है ना, हेड टैग के अंदर में, है ना। तो इससे क्या है, जो CSS फाइल है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ये जो आपका मेन्यू है वो हेडर डिव के अंदर में है, तो इसको भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। ये फिर पूरा मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
कॉपी और मेन्यू में जाके पेस्ट करेंगे, है ना। मेन्यू के जो सोर्स कोड वाले पार्ट है उसमें जाके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए पेस्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सोर्स कोड में जाएंगे इसका। अब पीएचपी फाइल हम यूज करेंगे, पीएचपी जो कोड है ना, इंक्लूड। ये क्या करता है, ये किसी भी फाइल को इंक्लूड करता है ना, आपके फाइल में किसी भी फाइल को इंक्लूड करता है ना। तो हेडर में हम इंक्लूड करेंगे मेन्यू डॉट पी एच पी को। इसका मतलब क्या है, जैसे हम मेन्यू डॉट पी एच पी फाइल बनाए हैं, तो जब ये फाइल बन गया तो इस फाइल को हम जितने भी पेज हैं, जितने भी फाइल हैं, सब में हम इंक्लूड कर सकते हैं, हमको बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डी आई डी, आई डी में दे देता हूँ हेडर, है ना। और यहाँ पे जो ड्यू है वो यहाँ पे क्लोज होगा, है ना, डी आई वी स्लैश डी आई वी, ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखो, चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो कोड है उसको हम कॉपी करते जाएंगे। चलो जाके ब्राउज़र में देख लेते हैं। इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे और जितने भी पेज है ना, सब में हम उसको कॉपी करते जाएंगे। जैसे सी है तो सी में ये सब को हटा देंगे, है ना, इतना ज़्यादा कोड है, हटा देंगे और यहाँ पे जस्ट ये एक लाइन का कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार सी प्लस प्लस, एम एस ऑफिस, पी एच पी, है ना, कॉन्टैक्ट, सब में हम पेस्ट करते जाएंगे। चलिए कोडिंग में चलते हैं वापस। सी में हो गया। अब एक काम करते हैं, हमारे जितने भी, अरे ये क्या खुल गया है, क्लोज करो इसको। हमारे पास जितने भी फाइल हैं है ना, सबको हमें ओपन करना पड़ेगा वन बाय वन। चलो जैसे कॉन्टैक्ट है, सीपीपी है ना, मेन आपका एम एस ऑफिस है ना, और ये पीएचपी, सबको ओपन करना पड़ेगा और सब में हम उस कोड को पेस्ट करते जाएंगे, है ना। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ इसको ड्रीम वीवर में। ओपन, उसके बाद ये देखो सभी ओपन हो रहे हैं। सी सी डॉट पी एच पी, अभी पी एच पी डॉट पी एच पी का सोर्स कोड ओपन हुआ है। अबाउट डॉट पी एच पी, है ना, सभी में देखो मेन्यू वाला जो मेन्यू क्रिएशन वाला जो कोड है सब में लिखा है लंबा चौड़ा, है ना। हम इसको हटा देंगे और केवल एक लाइन का कोड है ना, जिसमें कहना चाहिए मेन्यू डॉट पी एच पी फाइल को, है ना, इम्पोर्ट किया जा रहा है, उसको हम यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे जितने भी फाइल है सब में, है ना। इससे क्या है, ये एक प्रकार का कहना चाहिए कोड रियूजेबिलिटी है, है ना। कोड रियूजेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि एक बार कोड को लिखो और उसको बार बार यूज़ करो। ठीक है, आपको बार बार टाइप करने की लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हमारे फाइल हैं, है ना, जितने भी हमारे लिंक हैं मेन्यू के, सब में हम इसको क्या करते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे। सब में कहना चाहिए मेन्यू इंक्लूड होते जाएगा।
ये देखिए इसमें भी हटा देते हैं, पेस्ट करेंगे। ये देखिए सब में मेन्यू डॉट पी एच पी को हम इंक्लूड कर दिए, है ना। चलो सी है ना, अबाउट कॉन्टैक्ट सीपीपी डॉट पी एच पी, एम एस ऑफिस और पी एच पी सब में है। जाके ब्राउजर में देखेंगे हम इसको, रिफ्रेश करेंगे। अभी सी डॉट पी एच पी पेज ओपन है ना। उसके बाद जैसे हम इंडेक्स पेज में देखेंगे तो इंडेक्स पेज में अभी ये हेडर सब ऊपर में हेडर है ना, उसको भी इंक्लूड करेंगे। चलो सी जो ऊपर में जो बैनर है और लोगो उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। चलो जितने भी हमारे पेज है सब में हम पहुँचे उसको कॉपी करते जाएंगे, है ना। रेपर के नीचे में है ना बैनर, तो ऊपर में जो बैनर और लोगो है वो बना चाहिए, वो भी शो होगा हर पेज में, है ना। चलिए यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जाके आप देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए ऊपर में आपका बैनर और लोगो है ना अप्लाई हो चुका है। चलिए सभी पेज में देखिए आ रहा है ऊपर में, है ना, लोगो और बैनर, उसके नीचे में आपका मेन्यू। चले आगे देखते हैं। अब बच गया कंटेंट डालना,